हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यार ये दुनिया में चल क्या रहा है, चांद पे जाके हगने की बात कर रहा है तो कोई सेल्फी स्टिक के साथ गेम खेले जा रहा है। आज इस वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के बदमाश है भैया। उनसे जरा बच के रहना, ऐसा ना हो तुम्हें रस्ते में लपेट लुपूट ले, तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलवा दे और फिर कहीं तुम ये ना करते रह जाओ, आई मम्मी आई मम्मी आई मम्मी, मम्मी भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगी। चलिए बहुत हो गई बच्चों, दिए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखिए, आपने सेल्फी स्टिक की कलाकारी, ऐसी कलाकारी आपने पहले कहीं नहीं देखी होगी। नॉर्मली सेल्फी स्टिक का यूज हम ऐसे फोटो लेने के लिए करते हैं या ऐसे वीडियो बनाने के लिए कर लेंगे या थोड़ा बहुत जो है ऐसे वैसे एंगल भी कर लेंगे, पर ये टट्टी करते हुए ऐसे वीडियो घुमाने का क्या मतलब है भाई। अच्छा है भैया, कंपनी वालों ने इतनी लंबी सेल्फी स्टिक नहीं बनाई है, दूसरों के पिछवाड़ों पे टच होती चली जाए, नहीं तो ये भैया दूसरों की भी टट्टी निकाल देगा। अच्छा, और ये जो भैया सड़क के बीच में बैठ के तुम सेल्फी स्टिक से कलाकारी दिखा रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई गाड़ी आके तुम्हारी सेल्फी लेके चली जाए। दिखाते रह जाना इस सेल्फी स्टिक से अपनी कलाकारी, इस सेल्फी स्टिक को फिर म्यूजियम में लगा दिया जाएगा और बता दिया जाएगा कि दूसरे ग्रह से एक आदमी आया था, मतलब एक छिछुंदर आया था जो इस सेल्फी स्टिक से नई नई कलाकारी करके दिखाया करता था। बस ये रह जाएगा दुनिया में तुम्हारे लिए और कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये भैया राजस्थान के बदमाश क्यों है। ये राजस्थान के बदमाश भैया इसलिए है क्योंकि ये संजय दत्त की खलनायक मूवी के संजय दत्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा होगा कि ये सुंदर सा लौंडा कैसे बदमाश बन सकता है, लेकिन अगर आप आगे देखोगे तो आपको सब समझ में जाएगा मैं क्यों बोल रहा था। बदमाशी भी इनकी इस लेवल की है, गले में 50 तोला पहन के घूम रहे हैं। यहाँ साला देखने को नसीब नहीं होता, ये तोले पहन के घूम रहे हैं। मुंबई में राज करता हूं मैं, मुंबई में। अरे अपने जीवन में बनाऊं मैं, किसी मिनिस्टर ने नहीं बनाया मेरे को। देख रहे हो छिछुंदर से शकल के लौंडे को, मुंबई पर राज करते हैं ये और अपने दम पे बने हैं ये। बेटा बॉर्नविटा पीने की उम्र में तुम दमखम की बात कर रहे हो। हमारे लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जरा सी हवा चल गई तो उड़ जाओगे, जीपीएस भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। रही मुंबई के पुलिस वालों की बात, उसने सलमान खान जैसे घोड़ों को नहीं छोड़ा, तुम तो बेटे अभी छिछुंदर ही हो। देख रही हो लोंडे का स्टाइल, अपना लोंडा किसी से कम थोड़ी है। लोंडी तो इस पे जान छिड़कती है, बस गले में इसके ढोल ओढ़ दे दो, उसे बजा के बेचारा अपना मन बहला लेगा। कहीं ऐसा ना हो ये सेल्फी स्टिक पे भी ढोल रख के ऐसे घुमाने की कोशिश करे, ये अपनी सेल्फी स्टिक ना तोड़ ले। भाई साहब बहुत डर गया हूँ मैं इस वीडियो में देख के, ऐसा लग रहा है सच में मेरे सामने कोई बदमाश आ गया। इनका चश्मा देख रहे हो, चश्मे का रंग बिल्कुल ऐसा है साक्षात आसमान इनकी आंखों में बस गया हो। इस दुनिया में दौलत पैदा करना बड़ा आसान है। हाँ मेरे छजुंदर, इतना आसान है कि मटके में हाथ डालोगे तो नोटों की गड़िया बाहर निकलेगी, और तो और टंकी चलाऊंगा तो उसमें से भी सिक्के बाहर निकलेंगे। सारी बात छोड़ो, जेब में हाथ डालूंगा तो सोने की अशरफिया निकल के गिर जाएंगी, इतना आसान है पैसा कमाना। तो लोगों के पिछवाड़े खींच जाते हैं 100-100 रुपए मजदूरी कर करके, जब जाके बिचारों को 100 रुपए या 200 रुपए 300-400 रुपए नसीब होते हैं। ये महाराज जी जेब में हाथ डालते हैं और पैसा बाहर निकाल लेते हैं, इतना आसान है इनके लिए पैसा कमाना। अरे आपको दिक्कत क्या है, कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना, बाकी मोहल्ले के लोंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, लड़ाई तो नहीं कर रहा है। लोंडा किस तरह शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है, कहने को मुंबई पे राज करता है और यहाँ शराफत की सारी गंगा इसने बहा दी है। भाई मुझे एक बात बता, तू सिर पे कौन सा शैम्पू लगाता है, तेरे बाल इतने खतरनाक हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है किसी लोंडिया की सिर पे बीग लगा ली है। हमें भी बताओ यार कौन सा है वो शैम्पू, हम भी अपने सिर पे लगा के देखेंगे कितने दिन में बाल ऐसे हो जाएंगे। आंटी जी ये चांदनी है, हमारी बेटी। हमारी मतलब मेरी है। यही हम सोच रहे थे, हम तो बहुत दिनों से शिकार पे गए नहीं, तो ये बंदूक किसने चला डाली जी? मजाक। देख रहे हो लोंडे को गेम खेलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, अभी तो पीछे बोल रहा था बाकी मोहल्ले के लोंडों की तरह आवारागर्दी नहीं करता है, और यहाँ देखो पूरा की पूरी गोली चलाने के चक्कर में है ये। और एक बात बता मुझे जरा यार, तूने जो गर्दन तिरछी करी हुई है, तेरी गर्दन ऐसी या किसी ने यहाँ पे किल ठोकी हुई है जो तेरी गर्दन ऐसी ही रहती है, और ये जुल्फे तेरी इतनी नीचे लटक रही है, ऐसा ना हो कोई चूहा ऊपर कूद के इन्हें खींच के डाल दे। अरे मारी बराबरी, भूल जा तू पहली बस तो ले स्कूल जा। हाँ भैया मारियो का अपना तुम्हारी बराबरी करने की, तुम तो मुंबई के बदमाश हो। और रही भैया स्कूल जाने की बात, जब तुम 16 साल की उम्र में स्कूल नहीं जा रहे तो भैया हम 25 साल की उम्र में स्कूल कैसे चले जाए। ठहरे भैया खलनायक और हम ठहरे भैया नॉर्मल आदमी, तो हार बराबरी हम कैसे कर सकते हैं भैया, हमें माफ कर दी। गुंडा है अपन, गुंडा है गुंडा, ना कभी किसी से डरा, बस हमेशा सबको डराया, चलती है पूरे इलाके, उसका रुतबा इतना है ना अपना
यहाँ पे जाके मेरी औकात पता कर। छोटे भाई हमें ना पूछ रही तुम्हारी औकात पुकात किसी से, कहीं ऐसा ना हो हम पूछने जाएं और तुम हमें कहीं गोली गोली मार दो, मेरे घर वालों का क्या होगा यार। भैया तुम्हारा पता तुम्हारी चैनों से देख के लगता है तुम्हारी औकात क्या है, तुम बहुत बड़े बदमाश आदमी हो, ठहरे छोटे मोटे आदमी, हम कैसे पूछ सकते हैं तुम्हारे बारे में, हमारी शराफत की तो कसम खाई जाती है। Idea come is the us. देख रहे हो लोंडे को सेल्फी स्टिक के साथ किस तरह खेलता है, अगर हम ऐसे घुमाए तो साला चक्कर खा के वहीं गिर जाए, लेकिन ये लोंडा इतनी गोल गोल तरीके से घुमा रहा है कि इसे जुम्बा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई बोलते हैं ना उसको जो टायर डाल के घुमाते हैं, जो भी है। वैसे ये भाई कभी मुझसे मिलेगा या मैं इससे मिलूंगा तो इसका चश्मा जरूर मैं ले लूंगा, क्योंकि इसको चश्मे को जो है म्यूजियम में रखा जाएगा, कि पता भी तो चलना चाहिए। आसमान से एक एलियन आया था और वो ऐसा चश्मा पहनता था, ये उसका एक यंत्र है, वीडियो बनाते हुए इसके अंदर एनर्जी आ जाती है और ऐसे गोल गोल घुमा के इस चश्मे से ही एनर्जी पैदा कर लेता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तुमने तो मेरे पसीने छुड़वा दिया यार, ना लाइक करते हो ना शेयर ना सब्सक्राइब यार, कर दिया करो यार। मुझे नहीं पता कैसे करोगे तुम, वो लाल वाली जो आंटी है उसको दबा देना और घंटी को भी ऑन कर देना ताकि वीडियो आते तुम्हारे तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।